हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी दैट सेल। एंड इट इज अ मोटाइल सेल। मोटाइल मीन्स इट कैन मूव। हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वजाइना से लेके फेलोपियन ट्यूब तक ये मूव करता है। सो दैट इज वाई मूव क्यों करता है, बिकॉज इट इज अ मोटाइल सेल, इट कैन मूव। और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन होने तक, यानी कि आफ्टर इट्स रिलीज, जब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक में रिलीज होता है, तब से लेके ये 24 से 48 आवर्स तक अलाइव रहता है। एंड इट इज एबल टू फर्टिलाइज द एग फॉर दिस टाइम पीरियड। अगर इस टाइम पीरियड में ये एग तक पहुंच जाता है और एग को फर्टिलाइज कर लेता है, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। और स्पर्म के कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट पार्ट इज द हेड रीजन। हम यहाँ देख सकते हैं ये डायग्राम में, दिस पार्ट इज द हेड रीजन। देन नेक्स्ट इज द नेक, दिस देयर इज अ शॉर्ट नेक हेयर। फिर उसके बाद मिडल पीस आता है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग टेल, वी कैन सी हेयर, दिस इज अ लॉन्ग टेल। सो दीज आर द मेन फोर पार्ट्स। अब इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हेड। हेड जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द एक्रोसोम। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसकी टिप के ऊपर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। ये जब स्पर्म की डिफरेंशिएशन होती है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये स्टडी किया था, जब डिफरेंशिएशन होती है तो एक्रोसोम गॉल्जी अपरेटस से बनता है, जो कि पहले स्पर्मेटिड में गॉल्जी अपरेटस था, वहां से एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है। अब एक्रोसोम का फंक्शन भी हमने तब स्टडी किया था, इट बियर्स सर्टन एंजाइम्स, उनको हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। लाइसिन मीन्स जो ब्रेक करे। एग्जाम्पल इज हेयरिडेज एंजाइम। नाउ दिस एंजाइम दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म लाइसिन होते हैं ये रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है। और उसके अलावा हेड रीजन में एक्रोसोम जो है वो एंटीरियर साइड पे हो गया, यानी आगे की साइड हो गया, तो पीछे की साइड जो है वो हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है। वी कैन सी देयर इज अ बिग न्यूक्लियस हेयर। और इसके अंदर हमें पता है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल को ये कैरी करता है, यानी कि डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमंस में। देन रिगार्डिंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक रीजन। नेक बहुत छोटा सा रीजन होता है जो हेड और मिडल पीस के बीच में प्रेजेंट है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये छोटा सा रीजन जो है वो हेड और मिडल पीस के बीच में, दिस इज द नेक। नाउ इसमें दो सेंट्रियोल्स हमें दिखाई दे रही हैं। दिस वन इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दिस वन इज द डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल इस तरह से हमें लंबा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। यानी कि हमने कल भी डायग्राम में ड्रॉ किया था कि अगर ये डिस्टल सेंट्रियोल इस तरह से है तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसके परपेंडिकुलर होगी। नाउ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो न्यूक्लियस की साइड प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले है, तो इसीलिए प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं। और ये फंक्शन क्या करती है, जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करती है। देन डिस्टल सेंट्रियोल जो है दैट गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट, आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द एक्सियल फिलामेंट। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल से निकलती है स्पर्म के। दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के राइट एंगल पर लाई करती हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का हमें जस्ट सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो हमें पूरी लंबी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे लाई करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज द मिडल पीस। मिडल पीस जो है उसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, जो कि एक्सियल फिलामेंट के अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज द मिडल पीस, यहाँ पर ये हम जो है स्पाइरल स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। सो दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर अरेंज अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। ये सेंटर में एक्सियल फिलामेंट है जिसके अराउंड हमें ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल दिखता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द एनर्जी। अब स्पर्म्स ने मूव करना होता है, सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। तो इसी वजह से मिडल पीस को पावर हाउस भी बोला जाता है स्पर्म का, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ पर हमें रिंग सेंट्रियोल भी यहाँ दिखाई देती है, और इसका फंक्शन जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, इट्स फंक्शन इज नॉट क्लियर। देन लास्ट पार्ट इज द टेल।
अब हमें जितनी मेन पीस की बॉडी दिखाई देती है वो मतलब उसके मेन बॉडी दिखाई देती है उससे कई गुना लंबी इसकी टेल होती है, और ज्यादातर पार्ट जो है स्पर्म का उसे हम मेन पीस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर इस पार्ट में ये यहाँ टेल जो है वो उसके ऊपर फाइबरस शीथ है, हम यहाँ देख सकते हैं, और एंड में जो है ये एंड पीस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शीथ नहीं होती, सिर्फ फिलामेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। अब जो टेल होती है वो हेल्प करती है स्पर्म को मूवमेंट में। सो इन दिस वे द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म हेल्प इन द परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।